हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज विशाल फ्रॉम स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज एंड मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज बिजनेस स्टैंडर्ड का एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम रोज एनालाइज करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को उन लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स बट उनके पास टाइम नहीं है या उन्हें समझने में दिक्कत होती है। तो ये होगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। सबसे पहला आर्टिकल है इंडिया राइड्स हाई ऑन डीजल विद डिमांड सोरिंग ऑन द बैक ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। The country's transport ecosystem will find it tough to transition from fuel anytime soon. ये आर्टिकल है किस तरीके से हम ईवी की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं लेकिन अभी भी हम डीजल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। पर इसमें इसके रीजन भी बताए गए हैं जो हमें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब सब शुरुआत करते हैं आर्टिकल की जहाँ लिखा है कि इंडिया के जो क्लाइमेट चेंज गोल्स हैं ये कम्बस्टिबल बन रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो जो प्रोट्रैक्टेड डिस्प्यूट है गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरर के बीच में सब्सिडीज को लेकर और जो स्लो पेस चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, आप उससे कंपेयर करिए। अगर आप देखें तो यहाँ अलग अलग गवर्नमेंट है अलग अलग स्टेट्स में, वो कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली में कि हमें तो भाई 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कार्स नहीं चाहिए हमारे स्टेट में। ऐसी और भी स्टेट्स हैं जो इसे रिट्रेड कर रही है। उसके बाद बहुत सारी कह रही है कि हमारे पास जड़ लाइन हम 2030 तक शायद चलाएंगे या 2025 तक 35 तक सिर्फ तभी तक ही डीजल व्हीकल्स चलने देंगे, उसके बाद हमें नहीं चाहिए हमारे स्टेट में। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है, एयर ब्रीथेबल नहीं है। दिल्ली में अगर आप देखें तो लोगों को मना किया जाता है, वार्निंग्स आती है कि जॉगिंग पे नहीं जाना है, सुबह आज में एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई स्पोर्ट्स नहीं स्पोर्ट एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं करना है। तो इंसान फिर फिटनेस पे कैसे ध्यान देगा, क्योंकि वो बाहर जाएगा फिटनेस के लिए अगर एक्सरसाइज करेगा तो वो बहुत ही गंदी एयर ब्रीथ करेगा, उससे और ज्यादा इश्यूज होंगे। ये स्टेट्स नहीं चाहते बाकी स्टेट्स, तो ये एक बहुत बड़ा अभी हमारे लिए चैलेंज आ गया कि हम जाना चाहते हैं डीजल से दूर लेकिन अभी भी हम उससे और ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया के फ्यूल डिमांड का डेटा लिखा है 2021-22 और ये ग्रोथ डीजल आप देख सकते हैं 76.7 से 85.9, पेट्रोल 30.8 से 35 एंड एविएशन फ्यूल भी ऊपर ही गया है, बड़ा है 48% बढ़ा है, पेट्रोल 14% बढ़ा है, डीजल कंजप्शन हमारा 12% बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं ईवी में ग्रोथ आ रही है लेकिन उसके साथ साथ डीजल पेट्रोल की ग्रोथ भी कम नहीं हो रही है। डीजल जो है इंडिया में एक $60 बिलियन बिजनेस है। आप सोचिए इतना बड़ा बिजनेस है और इसमें आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टैक्सेस मार्जिन लिवाइज इन चीजों को इंक्लूड ना करें तो ऑयल मिनिस्ट्री का जो अगर आप देखें कि $94 पर बैरल प्राइस था अप्रैल का और रिकॉर्ड 86 मिलियन टन जो फ्यूल है ये बिका है FY23 में। 12% से ग्रो किया है डीजल का बिजनेस, डीजल का सेल्स इतना बढ़ गया है। तो इसको हम अलग शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस बहुत बूम कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रही है। अगर कंजम्पशन बढ़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर नोट करिएगा अगर आप स्टूडेंट्स हैं या आप इन्वेस्ट भी करते हैं, कि किसी भी इकोनॉमी में अगर आप देखें कि कंजम्पशन जो है अगर वो बढ़िया आ रहा है फ्यूल्स का, इसका मतलब वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। फ्यूल्स का कंजम्पशन कम आना एक बहुत ही बैड न्यूज है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। आप हमेशा देखेंगे कि क्रूड ऑयल नेचुरल गैस इन सबका इन्वेंट्री आता है एनर्जी का, और जिस दिन ये इन्वेंट्री आती है उस दिन बहुत वॉलेटाइल हो जाता है क्रूड का प्राइस और एनर्जी का प्राइस नेचुरल गैस का प्राइस। क्यों? क्योंकि उस इन्वेंट्री डेटा से पता चलता है कि उस कंट्री के पास आज इन्वेंट्री में कितना क्रूड स्टोर्ड है, और अगर इंडिया के पास बहुत ज्यादा क्रूड स्टोर्ड है इसका मतलब वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है या फिर लोग भी कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खराब न्यूज होती है स्टॉक मार्केट के लिए भी और हमारी इकोनॉमी के लिए। इसके बाद ही अगली न्यूज भी रिलेटेड है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ फ्लीट से, ईवीज के बारे में है। EVs आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा न्यूज में रहता है, कितना ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है, क्योंकि इसकी जो डिमांड है ये हमें पता है ये इंडिस्पेंसिबल है, ये आगे जाकर एक नेसेसिटी बनने वाला है। इसीलिए इस तरीके से आप देखेंगे कि हमेशा चर्चा में रहता है। अब अगली न्यूज भी है EVs के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश करने के लिए इनके सप्लाई और डिमांड को और क्लाइमेट चेंज गोल्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट कि जो थिंक टैंक है नीति आयोग, इसने कहा है कि ये ईयरली टारगेट्स देगी राइड हेलिंग एप्स को। कौन सी है राइड हेलिंग एप्स इंडिया में? उबर एंड ओला, सबसे पहले जो मेजर अगर आप देखें
तो ये दो कंपटीटर्स हैं। टू व्हीलर के लिए टारगेट है कि 30% ईवीज होना चाहिए अगर आप रन कर रहे हैं जैसे रैपिडो, और अगर फोर व्हीलर्स है तो 20% का एम दिया गया है इन्हें। और अब देखें कि ये भी एक अलग से टारगेट है कि जो आधी फ्लीट होनी चाहिए थ्री व्हीलर की, या ऑटोज की बात हो रही है थ्री व्हीलर में। अब देखें तो ऑटो में ये कह रहे हैं कि 50% जो फ्लीट है ये 2030 तक इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। अब जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, या फिर स्टॉक्स लेकर बैठे हैं इलेक्ट्रिक कार्स की कंपोनेंट बनाने वाली, या फिर मैन्युफैक्चर की कार मैन्युफैक्चरर्स की, वो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एंड जिनको शक है इस बात पे कि आगे शायद ग्रो ना करे, तो आप खुद देखिए, अगर गवर्नमेंट ऐसे टारगेट्स रख रही है, इसका मतलब आपको इस सेक्टर को मिस आउट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ अमाउंट इसमें भी इन्वेस्ट करना देख कर रिसर्च कर कर बहुत जरूरी है। ये नंबर्स अभी रिलीज होना बाकी है पूरी तरीके से, और इन्हें कोलैबोरेट करके बनाया गया है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर दे दिया गया है, उबर और ओला से भी कंसल्ट किया गया है। इस वक्त ईवीज अगर आप देखें तो 3% से भी कम है टोटल फ्लीट की। तो जब ये बढ़ जाता है, अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ के रियली 50% एक दिन होती है, तो आप सोच रहे हैं कि आप सड़क पर कितनी ईवीज देखेंगे, एंड वो कंपनीज जो कंपोनेंट्स और कार्स बना रही हैं वो कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है आगे। एंड आप देख सकते हैं कि टारगेट जो है ये रहा, इस चार्ट को, इस पूरे टेबल को देखिए आप, टारगेट टू कन्वर्ट ईवीज, टू व्हीलर्स 30% टारगेट है, फोर व्हीलर्स 20%, और थ्री व्हीलर्स पे सबसे ज्यादा रखा है इन्होंने जो भी 50%। अब अगला न्यूज भी ईवी से ही रिलेटेड है, ये है ह्यूंडई टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ इन तमिलनाडु टू एक्सपैंड ईवी प्रोडक्शन। ह्यूंडई 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है इंडिया में, तमिलनाडु में, सिर्फ और सिर्फ ईवी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। इस न्यूज को देखने के बाद, इन तीनों न्यूज को देखने के बाद, आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप खाली उसे पढ़ के ना छोड़ दें, आप उसे प्रोसेस करें अपने दिमाग में उस इंफॉर्मेशन को, बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो हर चीज के बारे में हमारे पास होती है। हम इससे क्या प्रोसेस कर पा रहे हैं? सबसे पहली खबर थी डीजल कंजप्शन के बारे में, इंडिया राइड्स हाई ऑन डीजल। अब ये एक अच्छी न्यूज भी है, क्यों? क्योंकि अगर हमारा कंजप्शन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है हमारे यहाँ फॉसिल फ्यूल का, इसका मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग है। और डीजल डिमांड का ब्रेकअप भी दिया गया था, जैसे एविएशन में तो काफी कम यूज होता है, लेकिन अगर आप देखें नॉन ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स, एग्रीकल्चर, प्राइवेट बसेस, टैक्सी, ज्यादा थ्री व्हीलर्स, इंडस्ट्रीज, पावर जनरेशन, रेलवे, एविएशन, हर जगह का यूसेज आप इस चार्ट को देख सकते हैं किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। टोटल ट्रांसपोर्ट में देखिए, नॉन ट्रांसपोर्ट में हर जगह ये इंक्रीज हो रहा है। सो इट इज नॉट अ बैड न्यूज अगर देखा जाए तो। इसके बाद नीति आयोग के टारगेट्स आए हैं, तो इस न्यूज को आप यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इस वक्त आप इस नॉलेज को यूज कर पाए और अच्छे इन्वेस्टमेंट चूज कर पाए। सो इस न्यूज को आप देखिए और इस पर और डीप रिसर्च करके कुछ स्टॉक बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में कि क्या अच्छे स्टॉक्स हो सकते हैं ईवीज में जो इन्वॉल्व है। इसके बाद आते हैं ह्यूंडई के न्यूज पर। अब ह्यूंडई अगर 20,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है तो इसके कंपेटिटर्स कौन है? ह्यूंडई की स्टॉक लिस्टेड नहीं है इंडिया में, वो कोरियन कंपनी है, लेकिन इसके कंपेटिटर्स कौन हो गए? इसके कंपेटिटर्स हो गए टाटा, इसके बाद ये लिस्टेड है हमारे यहाँ, उसके बाद मारुति है, और इसके बाद महिंद्रा भी है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी कंपनीज है तो लिस्टेड है, तो उनके कंपेटिटर्स को हमें देखना है कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो किस स्टेज में है।